वियतनाम का एक एक बच्चा उसके युद्ध में खड़ा हो गया, कहा हम अपनी मातृभूमि के लिए मरेंगे, अपनी आन बान सम्मान के लिए मरेंगे, हम अपनी माँ की इज्जत के लिए मरेंगे, हमने अपनी बहनों की अस्मिता की रक्षा के लिए मरेंगे। और परिणाम क्या हुआ कि इन्होंने गुरिल्ला युद्ध शुरू किया, 51,000 सैनिक मारे गए थे उसमें, अंत में पराजित होकर के अमेरिका को लौटना पड़ा। 5 भाई पांडव 100 भाई कौरवों को लड़ा दिए, क्योंकि वो न्याय पथ पर थे। तो आपका जो भीतर में न्याय है उसको जगा करके रखिए, जमीर को, उस इंसान को बचा करके रखिए, किसी का रक्त मत ऐसे बहाइए। और जब आप रहिएगा तभी आप एक सफल शिक्षक हो सकते हैं। चलिए शिक्षा की बात हो रही थी, अपने भीतर का एक आपका एक शिक्षक है, बहुत बड़ी गरिमा है इसकी। अभी चैप्टर आपका मेरे समझ से हमको शायद बाल अधिकार वाला मिला, हम पढ़ नहीं सके। ठीक है, हम बोल देते हैं ऐसे जनरल। अरे सब आदमी शिक्षक हैं, कोई अंतर नहीं है, यही है कि हम ट्रेनिंग पास कर गए हैं आप पर, लेकिन आप लोग ज्यादा अनुभवी इसलिए होगा कि बहुत ज्यादा जटिलताओं के साथ। अरे सर को दिखा के मोबाइल में अपन से एक बार का क्या ऑर्डर होते लाओ मोबाइल में आप पर अपन। ओ एक तो चुटकुला पढ़े थे, वो कह रहा था कि हमारे देश में अब ईमेल से शादी होने लगी। ठीक है, तब क्या होता है तुम्हारे देश में? अरे हमारे देश में तो फीमेल से शादी होती है। तो ईमेल और फीमेल के कुछ भी हो, ये भावना आप कहाँ से लाइएगा, समझे ना? भावना जो है वो बहुत जरूरी है। होटल में खाते हैं, वहाँ खिलाती है, बहुत अंतर है ना? मैं एक छोटी सी कहानी उसी माँ पर कह दूँ। एक बच्चा था, बहुत लाड़ प्यार और सम्मान दुलार से उसको पाला पोषा माँ ने उसको। दुर्भाग्य क्या था कि उसकी माँ, एक आँख की कहानी थी, आँख एक नहीं था। वो बच्चा पढ़ा लिखा आगे बढ़ा, उसको प्राइज वगैरह मिलता था। उसके मन में होता था कि माँ हमारी देखने में थोड़ी बदसूरत है, इसलिए न जाए प्राइज वगैरह लेने में, उसको लज्जा होती थी। वो बच्चा उससे दूरी बनाता है, किसी कार्यक्रम में सोचता है कि नहीं जाए तो अच्छा है, या नहीं ले जाता था। पर लिख करके वो अच्छा एक व्यवसाय बन गया, बहुत अच्छा कारोबार चला। लेकिन यह गलत भावना उसके मन में, गलत भावनाएं उसके, यह जो हीन भावना उसके मन में थी वो उसको पालता रहा। माँ उसकी मर गई, बेटा आया माँ के अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए। पड़ोसी ने कहा, देखो मरते वक्त माँ कही थी कि मैं बेटे के लिए कुछ संदेशा बनाई हूँ, लेकिन ऐसा बना करके छोड़ दी और रात में ही मर गई। बेटा को बड़ा दुख हुआ कि माँ तुमने तुम हमको छोड़ करके चली गई। दौड़ा उस संदेशा को लेने के लिए, उसमें उस संदेशा और एक मुड़ा हुआ कागज था। सुनिएगा जब हम लोग, संदेशा और एक मुड़ा हुआ थोड़ा सा कागज था जिस पर उसकी माँ लिखी थी, बेटे मैं तुम्हारे लिए बहुत चिंतित रहती हूँ, बहुत आशा और प्यार था तुम पर, बहुत आस लगा करके पोसी थी। खैर कहा, बेटे मुझे एक आँख नहीं है, शायद इसका तुझे तुम्हारे मन में कोई हीन भावना थी, लेकिन तुम यह नहीं जानते कि मेरी आँख क्यों ऐसे हुई। एक बार तुम बचपन में एक्सीडेंट कर गए थे, बहुत बुरी तरह से घायल हो गए थे, उसमें तुम्हारी एक आँख चली गई थी। मैं सोचा कि अपने बेटे को कैसे जिंदगी भर के लिए बदसूरत देखूं, वहाँ खिलास करने क्रम में मैंने अपनी एक आँख निकाल करके तुम्हें डॉक्टर की ऑपरेशन के द्वारा लगा दी थी, और उसी कारण से आज तुम्हारी आँखें
मैं शायद अपनी माँ को मानकर किसान को देखते रहोगे, यही जिंदगी मेरी सबसे बड़ी सबक हुई। बच्चा जब यह देखा और पढ़ा तो जिंदगी भर रोया कि जिस आँख के लिए हमने ऐसा किया था वह आँख तो माँ की मेरे आँख को लगी है, था मैं उसी माँ की तरह होता, काना जैसा दिखता। तो आप उसकी गहराई में जहाँ किसी को ऊपर से आप ले लेते हैं थोड़ा फलका से उसी बच्चे की तरह, ऐसा मत लीजिए, ऐसा कभी मत लीजिए। आप शिक्षक हैं, शिक्षक गजब का करिश्मा है। डाकू बनवाना चाहते हैं बना दीजिएगा, आतंकवादी बनाना चाहते हैं एकदम बना दीजिएगा, सब उठा लेगा एक 47 बनाना चाहते हैं। अन्वेषक इंजीनियर डॉक्टर बना दीजिएगा, बहुत बड़ी गरिमा है आपके पास, बहुत बड़ी योग्यता है आपके पास। चलिए अब मैं आप थोड़ा सा